नमस्कार। CMMSS अर्थात मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022 के प्रश्न पत्र में जो हिंदी के प्रश्न थे वे कुल 30 प्रश्न दिए गए थे। उन प्रश्नों का आंसर मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 61 to 65, 61 से 65 तक, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो अनुच्छेद है मैं इसे पढ़ रहा हूं। धन के तीन उपयोग हैं, भोग, दान तथा नाश। धन का व्यय विलास में करने का नाम भोग है। भोग करने से केवल क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है। यह धन का दुरुपयोग है। धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। धन के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य परोपकार के लिए दान है। संसार में ऐसे अमीर बहुत कम हैं जो अपना भोग विलास त्याग कर अपने धन को परोपकार में लगाते हैं। वे वास्तव में धन का सदुपयोग करते हैं, परंतु जो न धन का भोग करते हैं न ही धन का दान करते हैं, उनके धन का नाश अवश्यंभावी है। अब इसके आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। धन के कितने उपयोग हैं? तो अभी हमने देखा धन के तीन उपयोग हैं, भोग, दान और नाश। क्वेश्चन नंबर 62, धन के भोग में कैसा आनंद प्राप्त होता है? तो अभी हमने इसमें देखा है ये है क्षणिक आनंद। क्वेश्चन नंबर 63, भोग किसे कहते हैं? तो यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, विलास में धन का व्यय करने में, ये भोग इसे कहते हैं। अब है 64 नंबर, प्रश्न संख्या 64, ये है धन का सदुपयोग क्या है? तो यहां ऑप्शन है पहला भोग, दान, योग और नाश। तो ये कॉमन सेंस से भी हम लगा सकते हैं कि क्या सदुपयोग हो सकता है, और इस अनुच्छेद के अनुसार भी ये है दान। क्वेश्चन नंबर 65, धन का नाश कब अवश्यम भावी है? तो यहां पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा होगा, जब ना तो धन का भोग हो और न दान हो, इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो धन का नाश होता है। क्वेश्चन नंबर 66, बहुत ही आसान प्रश्न है। हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये कौन से होते हैं? पर्यायवाची। 67, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में जो हिंदी के प्रश्न हैं वे काफी आसान है, बहुत ज्यादा इसमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 68, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ चार ऑप्शन है, तो यह हमारा चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये पहला वाला ऑप्शन होगा, महाजोड़ ऋषि। 70 नंबर बिल्कुल आसान है, परिजोड़ आवरण की संधि होगी। इसका क्या संधि होगा? तो हम लोग सभी जानते हैं ये है पर्यावरण। सदा जोड़ एव की संधि होगी।
तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन थ्री सदैव। विसर्ग का उच्चारण किस तरह होता है? तो आप जानते हैं विसर्ग कैसा होता है। जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं जो हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, अतः। तो ये जो दो बिंदु है ना, इसे ही विसर्ग करते हैं। तो इसे मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अतः। तो ह की ध्वनि आई ना, तो ये दूसरा नंबर है, ह की भांति। प्रश्न संख्या 73। भारतीय शब्द का सही वर्ण विच्छेद है, तो ये वाला देखते हैं, तीसरा नंबर, भ। इसमें अलंत लगा हुआ है, भ आ, तो ये हो गया भा। ये र में हलंत है और अ है, तो ये हो गया र। फिर ये त, और त में हलंत है और ये दीर्घ ई है, तो ये हो गया ती। और य में हलंत और अ, यानी य, तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74। सोना शब्द कौन लिंग है? तो ये है पुल्लिंग। काला सोना कहते हैं ना, काली सोना तो नहीं कहते, तो ये पुल्लिंग है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, तो ये है कवित्री। अगर कोई स्त्री कविता करती है तो उसे कहते हैं कवित्री। स विभक्ति चिन्ह है, पहला कर्म तथा अपादान, दूसरा कर्ता तथा कर्म, तीसरा कर्म तथा अधिकरण, चौथा संबंध तथा कर्म। तो ये कारक के विभक्ति चिन्ह है, तो कारक के विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं? आठ होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, कर्ता, ने, कर्म को, कर्म से, के साथ भी कह सकते, इसमें होता है के साथ, के द्वारा, इसके बाद है संप्रदान, के लिए, को, अपादान, से, इसके बाद है संबंध, का, की, अधिकरण, ने, पर, और ये अंतिम है संबोधन। तो हरे, कारक के आठ विभक्ति चिन्ह है। तो यहां पर पूछा जा रहा है से विभक्ति चिन्ह किसमें किसमें है, तो यहां देख रहे हैं से करण में है और फिर अपादान में, तो ये पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 77। जो ईश्वर को मानता हो के लिए एक शब्द, तो ये होता है, हम सभी जानते हैं, आस्तिक। जिसका अंत न हो उसे क्या कहते हैं? अनंत।
सही वर्तनी, निम्नलिखित में सही वर्तनी है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें चुनना है। तो हमारा सही ऑप्शन है तीसरा नंबर, ये सन्यासी को हम इस तरह से लिखते हैं, सही वर्तनी। 80 नंबर में भी ठीक इसी तरह से है, निम्न में सही वर्तनी है, कौन सी सही वर्तनी है? तो ये हमारा 2 नंबर है, सामाजिक। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह है। बहुत आसान है, इन सभी चिन्हों को आप जानते हैं, तो ये दूसरा नंबर हमारा विस्मयादि बोधक है। अब 82 नंबर में जो चिन्ह दिया गया है, इसे क्या कहते हैं? ये तो मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 83, अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरा का अर्थ क्या है? तो ये इस मुहावरा का अर्थ होता है अपना स्वार्थ पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 84, घाव पर नमक छिड़कना, इस मुहावरा का क्या अर्थ है? तो ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, दुखी को और दुख देना। क्वेश्चन नंबर 85, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, वस्तु कम और चाहने वाले अधिक। क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86, काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? इसका हम लोग प्रयोग करते हैं अनपढ़ के लिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो ये हमारा तीसरा नंबर, राम सीता और लक्ष्मण वन को गया, नहीं ये नहीं है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये है चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो यहां भी चार ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, यहां दो पुस्तकें केवल हैं, यहां केवल दो पुस्तकें हैं, यहां पुस्तकें केवल दो हैं, केवल यहां दो पुस्तकें हैं, तो ये हमारा आंसर होगा दूसरा नंबर, यहां केवल दो पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अन्याय के विरुद्ध खालिस्तान, हमारा कर्तव्य है लाठी उठाना, आवाज उठाना, सिर उठाना, काम तमाम कर देना, तो ये हमारा होगा आवाज उठाना। तो ये पूरा वाक्य हो जाएगा, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। 90 नंबर, इसे तो सभी लोग जानते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। तो आपने देखा कि इस बार जो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022 में जो हिंदी प्रवीणता के प्रश्न आए थे, तो ये प्रश्न मैट के अंतर्गत आए थे, मैट में कुल 90 नंबर के प्रश्न थे, जिसमें से ये 30 हिंदी प्रवीणता के प्रश्न थे। तो आपने देखा इस बार तो काफी आसान प्रश्न था, आप इससे मिलते जुलते और इस दूसरे प्रश्नों की आप तैयारी करें, उनके लिए मैं कह रहा हूं जो आने वाले वर्षों में इस परीक्षा को देने वाले हैं। धन्यवाद।